हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में। और जहाँ होगी केवल इंग्लिश की बात। हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे कि काफ़ी सारे टेंसेज जो अपने थे कंप्लीट हो चुके थे, लाइक सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंसेज एंड परफेक्ट टेंसेज। और कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंसेज को मैंने एक एक वीडियो में ही कंप्लीट करवा दिया था। आज अपना है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज, और वो भी इसी एक वीडियो में तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस कंप्लीट होते जाएंगे। बस आप इस वीडियो को बहुत गौर से सुने और इसको विदाउट स्किपिंग, बिना इसको स्किप किए आप इसको टिल एंड लास्ट तक देखें ताकि पूरी चीज़ आपके समझ में आए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉइंट को लेके। आज अपना पॉइंट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको इस नाम से ही काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जब मैंने पहले आपको बताया तो परफेक्ट का नाम लेते आपके दिमाग में थर्ड फॉर्म आती थी। इट मीन्स जब कभी कोई काम फिनिश हो चुका होता था तो उसके लिए आप थर्ड फॉर्म का यूज़ किया करते थे, और जब भी कोई काम लगातार होता था तो उसके लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग जोड़ना होता था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब ये दोनों ही होंगे, क्योंकि इनकी पहचान है कि जैसे परफेक्ट टेंस होगा तो आपको पता है कि थर्ड फॉर्म होनी है, और जैसे कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाना है, क्योंकि जब भी कोई काम लगातार होता है वही कंटिन्यूस टेंस में होता है और उसमें इंग जरूर लगाते हैं, और जब कोई काम फिनिश हो जाता है उसमें थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंग लगाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंग हमेशा हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। अब दिक्कत यह हो गई कि ऐसा हो नहीं सकता। अब बातचीत हुई, ये दोनों ही भाई हैं और इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल सा एक युद्ध हो गया। एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये दोनों रियल ब्रदर हैं, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। परफेक्ट बड़ा है, कंटिन्यूस छोटा है। इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि अगर हम दोनों एक साथ आएंगे तो ये तो बोलता है कि मेरी थर्ड फॉर्म लगे, क्योंकि विदाउट थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस हो नहीं सकता, और ये कंटिन्यूस टेंस ये बोल रहा है कि विदाउट आईएनजी मैं नहीं हो सकता, तो मेरी पहचान कैसे छोड़ूंगा। जब इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये जो झगड़ा था बढ़ गया, और इन्होंने आपस में काफ़ी सारे मतलब आप ये बोल सकते हैं काफ़ी ये लेवल तक इनका युद्ध बढ़ गया, तब अचानक से इनके बीच में आए इनके एक चाचा जी जिनका नाम था बीन। ये बीन नाम के जो चाचा जी हैं इनके, इन्होंने इनके बीच में सुलह करवाई और कहा कि एक काम करते हैं। जब बात नहीं बनी तो इन्होंने इस परफेक्ट टेंस को थोड़ा साइड में लिया और कहा, देखिए छोटा सा तेरा छोटा भाई है, छोटा सा था तो इसको गोद में खिलाया करता था, कितना प्यार किया करता था, और आज एक ऐसी पॉइंट आ गया जब तू इतना सा बलिदान नहीं कर सकता, सेक्रीफाई कर दे, सेक्रीफाई कर दे। सेक्रीफाई करने के लिए तो फिर ये मान गया, चलो ठीक है कि चाचा जी जब आप बोलते हैं तो इसकी फर्स्ट फॉर्म इंग लगने दीजिएगा जब भी हम दोनों एक साथ आएंगे। लेकिन जब बाद में पता चला तो इसको ये पता चला कि चाचा जी ने मेरे साथ चीटिंग कर ली, तो फिर से चाचा जी के पास में और कहा कि चाचा जी आपने मेरे से चीटिंग कर ली। तो इन्होंने कहा कि तू अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा लेना और कंटिन्यूस अपनी मेन वर्ब लगा लेगा। ये बात इनके दिमाग में आ गई ताकि हेल्पिंग वर्ब से परफेक्ट टेंस की रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाने से कंटिन्यूस टेंस की हो जाएगी, और ये इनके बीच में इसीलिए बने रहे ताकि कहीं ये वापस से नहीं भिड़ जाए। तो जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको लेना हो, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको एच भी लगानी है लेकिन परफेक्ट टेंस की लगानी है, उसके बाद में आपको बीन बोलना है, और उसके बाद में वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलना है। ये बात तो रही इंग्लिश के सेंटेंसेस की, लेकिन अगर हिंदी का सेंटेंस आए, और हम हर बार ये देखेंगे कि मैं 2 दिनों से ये काम कर रहा हूँ, तो आप सेंटेंस को देखेंगे लगातार कर रहा हूँ वो इंग, लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में टाइमिंग और आ जाए तो आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। अब जिस टेंस में है अगर वो प्रेजेंट का होगा तो आप उसके लिए हैज हैव का यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, बहुत गौर से सुनिएगा इसको। अगर वो पास्ट का है तो आपको हैड का यूज़ करना है, और अगर वो फ्यूचर का है तो शेल विल हैव आप बोलें, और अगर आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं तो आप विल हैव यूज़ करेंगे। अब बातचीत आती है इसको बनाने की। मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँ, तो आप बोलेंगे खेल रहा हूँ, आई हैव, फिर बीन और प्लेइंग, बस फिलहाल आप इतना ही बोलें, आगे की बात है वो भी समझाते हैं आपको। आई हैव बीन प्लेइंग, अब जो भी है 2 दिनों से 4 घंटों से वो भी आगे और बताया जाएगा। मैं 5 सालों से पढ़ रहा था, पास्ट टेंस, आई हैड
बीन रीडिंग। और इसका सबसे सिंपल आइडिया है कि जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो आप सबसे पहले ये देखें कि आई हैव बीन, आई हैड बीन, आई हैव बीन, आई हैड बीन, शी हैज़ बीन, राधा हैज़ बीन, मोहन हैड बीन, आई विल हैव बीन, ऐसा कुछ करके जब आप फटाफट छोटे छोटे सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे तो ये आपके आपके टंग पे हो जाएगा। अब बातचीत चलती है, आपके समझ में आ गया होगा मैं दो दिनों से नाच रहा हूँ, आई हैव बीन डांसिंग, मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं दो दिनों से जा रहा हूँ। एक्चुअली इतना लंबा हो नहीं पाएगा, तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलने की ज़रूरत भी नहीं है और बोला भी नहीं जाता है। तो स्पेशली आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस के लिए विशेष रखें कि जब भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलना हो तो आप सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, इनका यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश करें। अब बात आती है जो समय से बातचीत है उसको आप समझने की कोशिश करें। उससे पहले आपको या तो फोर का यूज़ करना है और या फिर आपको सिंस का यूज़ करना है। बहुत गौर से सुनिएगा, एकदम सिंपल से ट्रिक मैं बताता हूँ इसको बताने की, जो एक झटके में आपको लर्न होने जा रही है। इसका सेंस होता से, दो दिनों से, चार दिनों से, सोमवार से, सुबह से, मार्च से, जनवरी से, 2010 से, जो भी है आपका है इससे, तो इसका होता सेंस से। लेकिन कब हम फोर लगाएं, कब हम सिंस लगाएं, तो जब आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़े, काउंटिंग ऑलरेडी दे रखी हो, तब तो आपको फोर का यूज़ करना है। लाइक दो दिनों से, अब आपको काउंट नहीं करना पड़ा, दो दिन हो गए तो फोर टुडेज, चार सप्ताह से फोर फोर वीक्स, दस सालों से फोर टेन ईयर्स। लेकिन अगर आपको काउंट करना पड़े, लाइक आपको घड़ी का टाइम बताया 7 बजे से, तो आप काउंट करें 7 से 8, 9, 10 ऐसा करके। आपको बोले कि मार्च से, तो आप बोल रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब काउंटिंग पहले से दी हो तब आप फोर का यूज़ करेंगे, और काउंट अगर आपको खुद को करना पड़ रहा है तब आप सिंस का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस को पूरा करते हैं, मैं दो दिनों से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर टू डेज, फॉर टू डेज। समझ में आ गया होगा, यहाँ काउंटिंग ऑलरेडी दे रखी थी इसलिए आपने फोर का यूज़ कर लिया। उसके बाद में टाइमिंग आपको बोलना है, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप जब भी आपको अगर काउंट करना हो मॉर्निंग से, आप देखेंगे मॉर्निंग से कौन से मॉर्निंग से, तो आप इसमें सिंस का यूज़ करेंगे। जब काउंटिंग दे रखी हो तब आपको फोर का यूज़ करना है। अब आप मेरे साथ में सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इसमें फ्लो आने लग जाए। मैं 4 साल से नाच रहा था, आई हैड बीन डांसिंग, नाच रहा था, आई हैड बीन डांसिंग फोर ईयर्स। मैं 10 दिनों से देख रहा था, देख रहा हूँ, आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव बीन वॉचिंग फॉर 10 डेज। इस प्रकार से मैं सुबह से उछल रहा हूँ, आई हैव बीन जंपिंग, और सुबह से सुबह तो आप बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, दो दिनों से फॉर 2 डेज, 5 साल से फॉर 5 ईयर्स, मंडे से सिंस मंडे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। सबसे पहले आई हैव बीन, आई हैड बीन, आई हैज, शी हैज़ बीन, राधा हैज़ बीन, माय फादर हैज़ बीन, हेड, सबके साथ में हेड आना है। और हैज हैव का आपको जो कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने एक बार आपको बताया था कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको अलग करने का, सेपरेट करने का एक सिंपल आइडिया है कि वो हेल्पिंग वर्ब जिनके लास्ट में ज साउंड आता है, वो हेल्पिंग वर्ब जो अपने लास्ट में ज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती हैं। तो जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिले हैज का यूज़ करना है, और जो भी प्लूरल उनके साथ में है वो हेड सब के साथ में आना ही है। उम्मीद है आपको ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा, जो छोटी सी स्टोरी थी उसके दौरान भी। अब मैं चाहता हूँ जितने भी अपने छोटे छोटे जो मैंने वीडियोज आपको दिए थे उनमें थोड़े थोड़े सेंटेंस मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक पूरा बढ़िया वीडियो बनाएंगे अच्छा सा, जिसमें आधे घंटे के आसपास आपका रिविजन होगा। और उस वीडियो को तो आप ज़रूर देखें ताकि आपके जो पीछे वीडियोज़ जो छूट भी गए होंगे तो आपके क्लियर होते जाएंगे। मैं आता हूँ, आई कम, मैं जाता हूँ, आई गो, राधा आती है, राधा कम्स, राधा जाती है, राधा गोज, फिर से याद कर लेंगे। मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले, मैं नहीं नाचता, आई डोंट डांस, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, वह नहीं जानती, सी डजंट नो, वह नहीं आती, सी डजंट कम, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, राधा आती थी, राधा केम। इट मीन्स बीच बीच में आप हर एक टेंस को बीच में लें ताकि दिक्कत होगी। मैं जाऊँगा, आई विल बी, आई विल गो, मैं खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग, मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, राधा जा चुकी थी, राधा हैड गॉन। इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलें, यहाँ आओ, कम हेयर, वहाँ जाओ, गो देयर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, यहाँ आओ कृपया, प्लीज़ कम हेयर, मेरी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी, मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी प्लीज़, इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलें। और उसके बाद मैंने आपको बताया, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, चलो चलते हैं, लेट्स
गो, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। तो ऐसे जब आप घर पे सेंटेंसेस का आप अलग से वो करेंगे कन्वर्ट, तो आपको बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हो पाएगा। आज का आपका होमवर्क है कि आप इन सेंटेंसेस को बहुत आराम से बनाएं और बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करें। अब आपका सबसे सिंपल आइडिया है, जब भी आप पेन और नोटबुक लेके बैठें, आप करना चालू कर दें, शी इज, ही डज नॉट, डज राम, आई वॉज, माई फादर, हैज़, इस प्रकार से आप जो भी सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लें और जहाँ जगह मिले वहीं पे आप इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को ऐड करने की कोशिश करें। अलग अलग टेंसेज को बीच बीच में लेके आएँ, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स को आप बीच में लेके आएँ। मॉडल्स का एक अलग रूल है, मॉडल्स में सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सभी सब्जेक्ट साथ में सेम मॉडल्स आती है, वो देखना है सिचुएशन क्या, आपकी कंडीशन क्या चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडल्स यूज़ करेंगे। बट हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका यूज़ आप इसी प्रकार से करेंगे, फटाफट फटाफट। जितना आप सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर पाएंगे, उतनी ही आपकी जो इंग्लिश है उसमें फ्लो आने लग जाएगा। और जो आपके टेंसेस हैं उनके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको छोटे सेंटेंसेस से बड़े सेंटेंस कैसे बने, और हो सकता है वो अब जस्ट फोर्थ कमिंग आपकी जो वीडियोस हैं उनमें भी आपको देखने को मिल जाए, ताकि आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि मुझे पता है जो मोस्टली व्यूवर हैं वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और अब आगे आने वाली क्लासेज में आपको कंपटीशन की जो है आपको ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इस प्रकार से एक बार मैं और इसको रिपीट कर देता हूँ कि परफेक्ट टेंस तब होगा जब आपकी थर्ड फॉर्म होगी, कंटिन्यूस टेंस तब होगा जब इसमें इंग लगेगी। दोनों नहीं हो सकते, इसलिए बीन आए और बीन ने ये कहा कि आप अपने हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए और आप अपने मेन वर्ब लगा लीजिए, दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए। तो जब भी कभी आप प्रेजेंट का आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज है, पास्ट के लिए हैड हैड, और फ्यूचर के लिए आप क्या करते हैं, शैल विल हैव, विल हैव का यूज़ करते हैं। बाकी इसका यूज़ काफ़ी कम होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बीच में आप बीन बोलेंगे, आई हैव बीन, शी हैज़ बीन, ऐसे बोलने की कोशिश करें, जो मेन वर्ब आएगी उसमें इंग आपको लगाना है। फिर बातचीत आई सेंस और फॉर की, जो से का सेंस देता है, तो उसके लिए अगर आपके पास में ऑलरेडी अगर आपको काउंटिंग दी हुई है तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, और इफ़ यू हैव टू काउंट द डिजिट्स, आपको डिजिट काउंट करने पड़े, लाइक देर मे बी आल्सो मंथ्स नेम, डेज नेम, और द टाइम बाई वॉच, वॉच का जो टाइम है, ईयर्स, जो ईयर्स होते हैं उनके बारे में, तो आप इसमें क्या करें, लाइक आपको टाइम मिल गया 2010 से, तो वो काउंटिंग नहीं है, वहाँ से हमें काउंट करना पड़ेगा 11, 12, 13, 14, 15, 2020 तक करना पड़ेगा। तो आपको काउंट करना पड़ा, वहाँ आपको सिंस का यूज़ करना है, और जहाँ काउंटिंग ऑलरेडी दे रखी है वहाँ फोर का यूज़ करना है, और उसके जस्ट बाद में आपको टाइम बोलना है, और उसके बाद में जितने भी छोटे छोटे हैं इस प्रकार से आप 2-3 पेज भरेंगे, आपका फ्लो आने लग जाएगा, बहुत अच्छे से फ्लो आने लग जाएगा। और जो भी मैं आपको कन्वर्स देता हूँ उसको जरूर किया कीजिएगा, ताकि आपका भी कन्वर्स बहुत अच्छे से हो पाए, और आप भी आफ्टर सम टाइम यू आल्सो स्पीक श्योरली एंड आई मीन इट। आई मीन इट तब बोलते हैं जब आप ये बोलना चाहते हैं ये मेरा दावा है, एंड आई मीन इट, और ये मेरा दावा है कि ये हम इसमें सफल हो पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।